हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जैसे कि हमारे पास एक ये सीलिंग फ़ैन है, ठीक है, ये एक ख़राब है या सही है, हम इस मीटर के माध्यम से कैसे पता करेंगे, इस मीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको चेक करने का, यानी कि सीलिंग फ़ैन को चेक करने का। एकदम वैसा तो ये ठीक घूम रहा है, जाम वगैरह नहीं है, मगर हमें इस मीटर से चेक करना है कि इसकी जो अंदर की कॉइल है वो कहीं से करंट तो नहीं मार रही है, या फिर कहीं से हमारा तार अंदर शॉर्ट तो नहीं है, यानी कि हम बिन खोले इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, उसको पता करने के लिए दोस्तों ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको हमें क्या करना है, चालू करके डाइबोर्ड मोड पर डाल देना है। जैसे यहाँ हमने ये करा डाइबोर्ड मोड, ठीक है। अब इसको एक बार आप लोगों को इस प्रकार से देख लेना है, जैसे कि ये मिलाना तो पी कर रहेगा, ठीक है, जैसे पी कर रहा है ना, आपका आवाज़ आ रही है, मैं सुना देता हूँ थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है, जैसे इस प्रकार से पिंग कर रहा है, आप लोगों को ऐसे कर लेना है। अब देखना है यहाँ पर इस पंखे में से सीलिंग फ़ैन जो होता है उसमें से चार तार निकले हुए होते हैं, यानी कि जो दो तो होते हैं लाल निकले हुए और दो होते हैं वाइट यानी कि सफ़ेद निकले हुए, ठीक है, कोई सा भी कलर हो सकता है, यानी कि दो एक कलर के होते हैं और दो एक कलर के होते हैं, यानी कि ये हमारे एक कलर के हैं और ये हमारे एक कलर के होते हैं, यानी कि कोई से भी फ़ैन में या तो तीन होते हैं तार या फिर चार होते हैं। हम चार वायर वाले जो तार हैं इसको हम कैसे चेक करेंगे उसको बताते हैं, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये सफ़ेद वाले वायर हैं इन दोनों तारों को ले लेना है, ठीक है, या कोई सा भी ले सकते हैं, इन्हें ले सकते हैं पहले या इन्हें ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को एक इस तार पर लगाना है और एक इस तार पर लगाना है, ठीक है, और हमारे मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं नंबर आने चालू हो गए, यानी कि 230 यहाँ हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे, यानी कि 230, यानी कि ये वाली हमारी कॉइल ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे ये कहीं से लीक तो नहीं है, यानी कि करंट वगैरह नहीं दे रही, तो हम लोगों को इसे एक जगह मिला लेना, दोनों तारों को एक जगह मिलाकर ऐसे कर लेना और यहाँ पे हमें इसका करंट चेक करना है, यानी कि पूरे पंखे में हम कहीं भी हमारा कोई भी इस कॉइल में करंट नहीं है, कहीं से भी तार वगैरह टूटा हुआ नहीं है, यानी कि पूरी ये वाली कॉइल जो हमारी है सफ़ेद वाली तारों की बिल्कुल एकदम ठीक है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से अब हमें ले लेना है लाल को चेक करेंगे, तो इस प्रकार से हमारे मीटर में फिर नंबर जले, यानी कि कॉइल एकदम बढ़िया है। अब देखेंगे ये कहीं से करंट वगैरह तो नहीं ले रही है, ठीक है, उसके लिए हम दोनों को एक जगह मिला लेते हैं, इस प्रकार से हम एक जगह मिला लें, ठीक है। एक जगह मिलाने के बाद अब दोस्तों हम इसका फिर करंट चेक करेंगे, यानी कि कोई भी करंट हमारे पंखे में नहीं है, ठीक, कोई भी करंट हमारे पंखे में नहीं है और ये हमारा जो सीलिंग फ़ैन है बिल्कुल ठीक है, यानी कि सीलिंग फ़ैन जो है हमारा ये बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियर है, इसको हम कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे कि इन पे तार लगाया हमने, एकदम ठीक है। अब हम एक चीज़ और करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक सफ़ेद वाला तार और एक लाल वाला तार इस प्रकार से दोनों तार देख लेंगे, यानी कि आपस में भिड़ तो रहे हैं, नंबर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, ऐसे हमारे ब्लैक पर यानी कि वाइट पर नंबर आ रहे हैं। अब इसको हम इस पर करेंगे तो कोई भिड़ना वाला कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि नंबर नहीं आ रहे हैं और करंट वगैरह भी नहीं ले रहा पंखा, हमारी दोनों कॉइलें एकदम बढ़िया हैं, अच्छे नंबर आने हैं, 215 यानी 75 आ रहे हैं और इस पे 223 आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो फैन है वो एकदम क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी वीडियो लगी आप लोगों को कमेंट में जाकर बता सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम इस सीलिंग फ़ैन को तैयार करते हैं, कैसे इसको ठीक करते हैं, ठीक है, ठीक है या गलत है, इस प्रकार से हम इस सीलिंग फ़ैन को पता कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।